तकरीबन मुझे कोई 4 से 4.5 घंटे लग गए हैं मंडी से इधर आने में। अब जानवर तो यार आपको तो पता है, वो साकिब और जिमी को मैंने बोल दिया था कि यार लोड करा के ले आना, पेमेंट वगैरह तो कर ही दी थी यार, और बस वो अब रास्ते में आस्ता आस्ता आ रहे होंगे क्योंकि उन्हें जानवरों को भी तो देखना है ना। तो मैंने स्पीड पकड़ के यार मुझे भी 4 घंटे लग गए थे यहाँ पहुँचने में। तो अब ये है कि चलो फाइनली पहुँच गए हैं, और माशाल्लाह से सामने चेक करो भाई, जिमी के कारनामे एक बार फिर से, गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है इसने। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई दफ़ा समझाया यार, कई दफ़ा कि भाई यहाँ पर गाड़ी मत पार्क किया कर, लेकिन फिर यहाँ पर खड़ी कर दी है। अब यहाँ से मेरी गाड़ी गुजरेगी क्या? नहीं यार, नहीं, यहाँ से गाड़ी नहीं गुजरने वाली, इसका बंदोबस्त आज मुझे करना ही पड़ेगा। पहले अपनी गाड़ी तो ज़रा साइड पे लगाता हूँ ना, यहाँ इधर साइड पे लगा के एक काम करता हूँ, इसकी गाड़ी जो है ना सीधा दोस्त के पास दे आता हूँ, वहाँ पे जाके रख दूंगा, फिर आएगा तो अपनी गाड़ी ढूंढता रहेगा यार, क्योंकि इसको यही सज़ा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका रोज़ का ड्रामा है यार, कितनी बार इसको समझाया मैंने। अभी यार इसकी गाड़ी लॉक तो नहीं होगी, चेक करूँ ज़रा। अबे यार गाड़ी तो इसकी लॉक है, और गाड़ी की चाबी अपने पास तो ये रखेगा नहीं, क्योंकि इतना रिस्पॉन्सिबल आदमी ये नहीं है। तो गाड़ी की चाबी शायद या तो फिर ये अपने रूम के ड्रावर में रखता है, क्योंकि दो गाड़ियों की चाबी मैंने इसको दी हुई है, एक चाबी ये रूम के ड्रावर में पक्का रखता है, वहाँ पर तो मुझे मालूम नहीं कौन से ड्रावर में रखता है, ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन एक चाबी ये लाजमी जो है ना अपनी गाड़ी के बोनट में कहीं छुपाता है, अपने साथ नहीं रखता यार। तो इसकी गाड़ी का बोनट खोलते हैं, वैसे गाड़ी का बोनट इसका खुला ही रहता है, इसको भी कभी इसने लॉक किया नहीं। अब इसकी आदतों का तो पता है ना यार कैसा आदमी है ये, यहाँ पर कहीं ये चाबी रखता है यहाँ कोने पर। यहाँ से पहले इस गाड़ी की चाबी उठाते हैं और फिर इस गाड़ी को लेके जाते हैं अपने संगी के पास। बस यहाँ पे कहीं मुझे चाबी इसकी मिल जाए, इधर ही कहीं रखी होगी, क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने इसको देखा था यहाँ चाबी रखते हुए। चलो शुक्र है चाबी तो मिल गई है यार, बोनट बंद करता हूँ और सीधा इस गाड़ी को हैंड ओवर मारता हूँ। अब यार उसका ये अंजाम है भाई, ये नहीं करूँगा ना तो फिर इसने कल फिर गाड़ी पार कर देनी है, और ऐसा मतलब कि पूरे घर में जैसे इसी की गाड़ी है, किसी और की गाड़ी नहीं है, बस अपनी गाड़ी पूरा महल समझ के कहीं भी पार कर देता है यार। तो चलो गाड़ी तो खुल गई है, शुक्र है। अभी अभी इस गाड़ी को लेके जाते हैं ना सीधा यहाँ अपने मोहल्ले में, या यार वो दोस्त आपको तो पता है ना, उधर ही इसकी मैं पार कर देता हूँ गाड़ी। लेकिन एक मिनट पहले उसको फ़ोन कर लूँ, वो घर में है कि नहीं, उससे एक दफ़ा पूछ लेता हूँ ना। एक मिनट रुको यार, उसको ज़रा मैं फ़ोन कर ही लूँ ताकि कन्फर्म हो जाए जाने से पहले। हेलो, हाँ बात सुन यार, काम था तेरे से। किधर? अच्छा नहीं 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 यार, अभी तू थोड़ा 5 मिनट बाद चला जी, मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ, गाड़ी एक पार्क करनी है, हैंडओवर देनी है तुझे। एक काम करता हूँ, मैं तेरे गैराज में उधर बाहरी खड़ी कर देता हूँ, बाद में तू फिर कर ली गैराज में, सही है? मैं आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ, गेट खोली। ओके चलो यार, शुक्र है कि वो अभी वैसे घर से जाने वाला था, उसको मैंने रोक लिया। तो जाता हूँ और उसके घर में सीधा जाके गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, और उसको बता दूंगा कि यार ये गाड़ी खड़ी है, जब तक मैं ना कहूँ ना, ये गाड़ी तूने किसी को ना बताना है, अगर जिमी भी तेरे पास है तो उसको ना बता, गैराज में छुप करके खड़ी कर दे, कम से कम एक हफ़्ता तो ये गाड़ी मैं छुपा के रखूँगा ना, उसको ये सज़ा देनी पड़ेगी, ढूंढता फिरेगा गाड़ी अपनी। हाँ ये उसका घर है मेरे दोस्त का, और एक मिनट हॉर्न मारता हूँ और दरवाज़ा खोले ये। चलो शुक्र है दरवाज़ा खुल गया है। अभी यहाँ पर इधर ना इस सामने गैराज तो है, लेकिन अभी गाड़ी पार्क नहीं कर सकता इस गैराज में, इधर बारीक मैंने उसको बोला था मैं खड़ी कर दूंगा गाड़ी, तो इधर ही बाहर कहीं खड़ी कर देते हैं, यहाँ पर इधर कोने पे मैं लगा देता हूँ, और उसको फिर मैं बता भी दूंगा। एक दो दफ़ा मैंने पहले भी अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी की हुई हैं यार, जब वहाँ पर जगह नहीं होती ना, इवन जब मेहमान भी आते हैं हमारे घर फुल हो जाते हैं ना गाड़ियों से, तो फिर इसके घर पार्क कर देते हैं। तो दोस्त बड़ा अच्छा यार, मोहल्लेदार है, काफ़ी पुराना दोस्त है, अब उसको ये मैं बता देता हूँ अभी फ़ोन करके कि भाई गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, ख्याल रखी बस। हाँ यार, हाँ बस गाड़ी तो एक दफ़ा तू देख नहीं और गैराज में पार्क कर दी, सही है? जब तक मैं ना कहूँ ना, किसी को तूने बताना नहीं है, प्लीज़। ओका यार, थैंक यू सो मच, ओका ओका। चलो बाबा जी, अब तो मैं जिमी को नहीं बताने वाला कुछ भी हो जाए, एक हफ्ते तक तो यार मैं इसको छुपा कर ही रखूँगा ये गाड़ी, नहीं तो भाई अब अमेंडा की गाड़ी है, ठीक है, मेरी गाड़ी है, उसकी बाइक भी है, उसकी अपनी एक गाड़ी भी होगी, अब शायद मैं एक और फैमिली कार लूँ, बड़ी कार लूँ, फिर उसके बाद मुझे प्रोटोकॉल के लिए 2 पर्सनल गाड़ियाँ चाहिए होंगी, अगर आपकी दुआओं से मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ तो फिर उसके लिए लैंड क्रूज़र रखनी पड़ेंगी, या प्रोटोकॉल के लिए कौन सी गाड़ी हो ये मैं आपसे ही पूछ लूँगा, पर वो बाद की बात है ना। तो उसके लिए हमें घर में कोई बड़ा सा या गैराज बनाना पड़ेगा, या फिर प्रॉपर स्पेस बनानी पड़ेगी, मतलब गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए। तो जिमी ने तो अजीब ही ड्रामा बनाया हुआ है यार।
आपके सामने कोई, मैंने उसको लास्ट में भी दो तीन दफ़ा बोला था कि यार गाड़ी अगर तूने पार्क करनी है या तो गैराज में खड़ी कर दे, ठीक है। अब पूरे गैराज में सिर्फ एक बाइक खड़ी हुई है इसकी, अब गैराज में कम से कम दो गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं आराम से। अब अपनी गाड़ी में बैठ के यार अपनी गाड़ी को तो यहाँ बाहर ही कहीं खड़ा कर देता हूँ साइड पर, जहाँ पर मेरी अपनी जगह है यार, जहाँ मैं अमूमन खड़ी करता ही रहता हूँ, इधर ही। हाँ अभी गैराज में तो मैं खड़ी कर नहीं सकता क्योंकि उसकी बाइक ही खड़ी होगी, BMW, और जानवर वो अभी लेके आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे, तो चलो आने दो उनको, फिर देखते हैं जानवरों को भी कहाँ पे रखना है। गाड़ी को लॉक कर देते हैं। ओके हो गया, अभी मैं चलता हूँ सीधा घर और थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ तब तक जब तक वो आए, फिर उसके बाद बंदोबस्त करते हैं। शाकिब भाई यार एक दफ़ा आप उतर के देख लेते, पता नहीं जानवर सही सलामत पहुँचे हैं कि नहीं। अब कितने लंबा रूट है यार, कब से चलाई जा रही हो, एक दफ़ा उतर के देख ही लेते। अबे यार उधर पेट्रोल पंप पे उतर के देखा था ना, पूरे थे। तो पेट्रोल पंप किधर था, सैंडी शोर में था ना। पहुँच गया ना, अब घर पहुँच गए, पता चल जाएगा। बेटा अगर एक जानवर भी यहाँ से मिसिंग हुआ ना ट्रक में से तो देखना फिर। कुछ नहीं होता यार, इस दरवाजे को तो पहले खोलो ना कोई। पता क्या, जानवरों का ना पीछे जोर बहुत है, मतलब वजन बहुत है यार, तो ट्रक जोर मांग रहा है। और ये दरवाज़ा क्या ख़राब हो गया, पूरा क्यों नहीं खुला, अब यहाँ से तो ट्रक नहीं जाने वाला। चलो चलो अब जाने दो। ओके तो यार फाइनली तकरीबन 6-6.5 घंटे लग गए थे और माकोबे के सामने गाड़ी खड़ी हुई है, मतलब वो आ ही गए हैं। हाँ तो जारी बात है, उन्होंने तो स्पीडें पकड़ी थी, वो तो पहले ही पहुँचेंगे ना। हाँ तो बस फिर यार ये तो मेरा ही हौसला था, इस ट्रक को कैसे लेके आया हूँ। चलो यार शुक्र है हम भी पहुँच गए, थक गया हूँ गाड़ी चला चला के यार। चल उधर। अबे तू इधर कैसे आ गया अचानक, उधर से नहीं उधर के आया? बस आपसे पहले ही उतर गया था फटाफट। अच्छा चल, अब किधर जा रहे हो, वो किधर किधर आना, पुट्टी हरकतें तू कर रहा है। ओ माको भाई को बुला दे रहा यार, माको भाई को बुला के जानवर रखने किधर हैं। अच्छा मैं अब अंदर जाके पापा को बुला के ना, फ़ोन कर लो ना, अंदर ही होंगे वो। पहले ये तो देख लो जानवर पूरे भी हैं कि नहीं, अभी पापा फिर गुस्सा करेंगे कहीं एक जानवर काम तो नहीं हो गया। ओ उसकी तो फिक्र ना कर, सब्र कर, मैं फ़ोन कर ही लेता हूँ माको भाई को। हेलो हाँ साकिब, माको भाई पहुँच आए हम, किधर हो आप? अच्छा अच्छा ठीक है, बाहर ही खड़ा किया ट्रक, और जो माको भी बाहर ही आया बस। ओके तो यार शुक्र है पहुंच आए हैं टाइम से ही, मैं तो कह रहा था कि रात को 12 या 1 बजे ना पहुंचे। अच्छा तो यार देख लेते हैं कि खैर खैरियत से जानवर पहुंचा दिया इन्होंने कि नहीं, बस जानवर जो है ना वो खैरियत से पहुंच आए हों, और कल फिर कुर्बानी भी है, कुर्बानी भी करनी है, उसका भी सीन बनाना है मैंने। हाँ साकिब और जिमी खैरियत से पहुँचा दिए ना जानवर सारे? जी जी माको भी खैरियत से पहुँचा दिए, चेक करो। पापा लेकिन रखेंगे कहाँ पर? एक मिनट यार देख लेते हैं जानवरों को रखना कहाँ पे, ये तो मुझे भी अभी पता नहीं है क्योंकि सेटअप हमने अभी बनवाया नहीं है। तो पापा पहले सेटअप बनवा लेते हैं। अबे यार अभी 11 बज गए हैं रात को, कल ईद है, कुर्बानी करनी है, अब सेटअप का क्या फ़ायदा। अच्छा खाना वगैरह लेकर आया इनका कि नहीं साथ? जी माँ को भी खाना वगैरह भी ले आए हैं, वो मसले वाली बात नहीं है, लेकिन रखना किधर है बस ये देख लो, क्योंकि रात को बारिश हो सकती है, कुछ पता भी नहीं है ना, आपको पता है फिर। हाँ बारिश की टेंशन है, वैसे हमें बाहर तो नहीं छोड़ सकते जानवर, फिर क्या करें। पापा घर के अंदर ले जाएं, घर के अंदर। घर के अंदर? तेरा दिमाग ख़राब है, अमेंडा ने रात को सोना नहीं है, अगर घर जानवर हम लेके तो एक काम करना तू इनको उतार, गैराज लेके जाते हैं इनको। पापा गैराज में बाइक खड़ी है ना? तो बेटा बाइक उधर साइड पे खड़ी कर लो ना, इनके लिए अभी फ़िलहाल सेफ जगह वही है यार, एक रात की बात है, कल कसाई बुलाएंगे और इनको यार ज़बह कराना है बस। चल साकिब एक एक करके उतार इनको, फिर लेके जाते हैं गैराज में, जगह बनाते हैं इनकी। चलो माको भाई। हाँ सही हो गया, और ये घास भी तो ले आया था ऊँट के लिए, ठीक है, और बाकी सारा खाना भी इनका पहुँच गया है, खाते रहेंगे ये अभी रात को, ठीक है सुकून से, और ये जगह इनके लिए बिल्कुल सेफ है और परफेक्ट है। बारिश हुई, आंधी आई, तूफ़ान आई, इनको अभी कुछ भी नहीं होने वाला इंशाल्लाह। अब क्या करना है हमने, अब कसाई का बंदोबस्त करना है यार साकिब, कल कसाई को बस ईद की नमाज़ के बाद ले कर आ किसी भी तरह से। पापा साकिब भाई खुद भी तो कर सकते हैं। साकिब तू करेगा? उन्हें यार माँ को भी कल नए कपड़े पहनूंगा यार, मैं किधर बात, वो पिछली दफ़ा बात कर दिया था, पैसे नहीं थे इस वजह से, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट फाट हूँ, अब कसाई ले आएंगे। नहीं अगर तू खुद कसाई बन जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, तू खुद ही कर दे, मैं तो कहता हूँ। माँ को भी 4 जानवर हैं, ऊँट भी है, मेरे से किधर होगा, वो कसाई की टेंशन मत लो, मैं कितना कितना पकड़ के ले आऊँगा बस। चल ठीक है फिर, तूने कल कसाई बुलाना है, ये तेरी जिम्मेदारी है, ईद की नमाज़ के बाद कसाई पहुंच जाना चाहिए, और एक नहीं 4 जानवर है ना तो 2 कम से कम कसाई आने चाहिए तगड़े। वो ठीक है माको भी, वो मैं ले आऊँगा, और मैं अपना जानवर ले जाऊँ फिर? तू अपना जानवर किधर से ले जाए, अभी कहाँ लेके जाएगा, इधर ही खड़ा रहे ना। हाँ ना साकिब भाई इधर ही खड़ा रहे। अच्छा वैसे मेरा कौन सा जिबा करोगे जानवर इनमें से? यार कोई सा भी ले ले,
माँ को भी ये काला रेनबो वाला मैं ले लेता हूँ, क्या कहते हो? इसका गोश्त मुझे दे देना। नहीं 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 पापा, ये वाला नहीं देना इनको, इनको रेड वाली काय देना बस। अबे यार कोई सी भी ले लो यार, गोश्त तो एक ही रहेगा ना, मतलब टेस्ट तो एक ही रहेगा गोश्त का। नहीं नहीं पापा, रेनबो वाली नहीं देना प्लीज़, वो हमारी ही होगी, उनका गोश्त हम ही खाएंगे। चलो फिर माँ को भी ये येलो वाली दे दो, ये वाली। नहीं 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 येलो वाली भी नहीं देनी ना। बे यार क्या तुम लोगों का ड्रामा है यार, कोई सा भी ले लो। अच्छा ठीक है, कल देखते हैं, कसाई को बुला के लाना, देखा जाएगा जो भी होगा। नहीं पापा प्लीज़, वो रेड वाली देना शाकी भाई को, वही उनकी है। हाँ ठीक है ठीक है, साकी भी यार रेड वाली तू ले ली, इसका ये लास्ट में कुर्बान करके इसका गोश्त तू ले ली सारा। क्यों माँ को भी सबसे सस्ती वाली दे रहे हो, थोड़ा सा तुझे मैं ऊँट का गोश्त भी दे दूंगा, ये रेनबो वाली का भी गोश्त दे दूंगा, टेंशन ना ले, एक पाया इसका दे दूंगा। और बता, और तो गया, मैंने घर भी भिजवाना है ना। चल चल ठीक है, तू टेंशन मत ले इस चीज़ की, और मैं भी चलता हूँ, तू ये ट्रक भी वापस कर दे साकिब, और दूसरा कल फिर टाइम से पहुँच, सही है? पापा मैं इधर ही रुक जाऊँ इनके साथ। ओ नहीं भाई, तेरी मेहरबानी जिमी, तेरी मेहरबानी यार, पहले भी तुझे छोड़ा था, ये गलती मैं अब दोबारा अपनी ज़िंदगी में करना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूँ ऊपर सीधा कमरे में रेस्ट करने के लिए, जिमी तू भी पहुँच ऊपर, और साकिब कल मिलते हैं। ओ मकबी, चलो बाबा जी मैं तो जाऊँ यार, काफ़ी थक गया हूँ। गए हुए थे मंडी यार, उधर ही बस घूमते रहे, पूरा दिन उधर ही गुजर गया हमारा, चार जानवरों के पीछे सही जलील हुए हैं। खैर अब सुबह ईद है यार, बस खैर खैरियत से जानवर जो हैं कुर्बान हो जाएं हमारे, और हमारी कुर्बानी भी कबूल हो जाए इन चारों जानवरों की। एक तो वैसे साकिब का है, तो अब जिमी को वैसे अभी तक ख्याल आया नहीं है गाड़ी का, देखी नहीं है उसने शायद, लेकिन पता चलेगा थोड़ी देर तक, तो खुद ही पता चलेगा उसे जब ढूंढेगा ना कि मेरी गाड़ी किधर गई, तो फिर खुद ही उसका ख्याल आएगा, फिर जग मारेगा जगह जगह जाके अपनी गाड़ी के लिए। तो ये भाई ये उसको एक सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसे वो बाज आने वाला तो है नहीं। हम अपने कपड़े चेंज करते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद सुबह फिर उठते हैं ईद की नमाज़ के लिए। ईद की नमाज़ पढ़ के फिर कसाई लोगों का वेट करते हैं, कसाइयों को बुला के कुर्बानी करके उसके बाद कुर्बानी का मज़े से गोश्त खाएंगे, उसके बाद अगले दिन फिर देखते हैं कि पिकनिक का प्रोग्राम बनता है कि नहीं। जिमी यार फिर जानवरों का थोड़ा ख्याल रखें, आज की रात है बस, तो फिर मैं चलता हूँ, सही है फिर कल मिलते हैं, सही है? हाँ चलो सही है, फिर ट्रक उनको वापस करके आप भी जाओ। वैसे तो मैं कह रहा था अपनी मैं गाय ले ही जाता, लेकिन चल छोड़, माँ को भी कह रहे हैं तो चलो। हाँ सही है, जाओ ना यार। ओके फिर। वैसे भी यार एक रात की बात है, मैंने वैसे सोचा था यार अपने घर ले आता एक गाय, थोड़ा प्यार वाला बंदा कर लेता है, टाइम ही नहीं मिला यार जानवरों को अपने पास रखने का, उनको खाना छाना खिलाने का, घुमाने का, इस दफ़ा बस बहुत मसरूफियात थी, आपको तो पता है। चलो यार फाइनली मेरे पसंद के जानवर इस बार पापा फिर से ले आए हैं, और जो मैंने बोला था ना वो नीलम, वो वैसी की वैसी है, मुझे वही चाहिए थी, और उसका गोश्त तो भाई मैं ही रखूँगा, वो तो किसी को नहीं देना उसका गोश्त। अच्छा तो अब मेरी गाड़ी गाड़ी किधर है, गाड़ी किधर गई मेरी, एक मिनट, उधर तो नहीं खड़ी की हुई कहीं मामा ने या पापा ने, यहाँ पर ही कहीं रखी होगी। नहीं यार यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ पे है मेरी कार यार, वो किधर गई मेरी GTR, कहाँ पे रख दी थी मैंने, कहाँ पे खड़ी की थी यार, इधर ही खड़ी की थी ना घर में, घर में खड़ी करके अभी मंडी गया था पापा के साथ। कहाँ पे जा सकती है यार गाड़ी, खुद तो चल के कहीं भी नहीं जाएगी, या तो फिर मामा ही थी घर में पीछे, उन्होंने कि आगे पीछे रख दी होगी, उनका कोई भरोसा भी नहीं है कि यहाँ पर ही कहीं साइड पे तो नहीं खड़ी कर दी उन्होंने यार। एक तो उन्होंने जब से अपनी नई गाड़ी ली है ना, उनको भी अपनी पार्किंग की जगह नहीं मिल रही, मामा की अभी फ़िलहाल गाड़ी भी नहीं खड़ी हुई कहीं, तो मेरी भी गाड़ी नहीं खड़ी हुई ना, पापा को पता होगा शायद, नहीं यार पापा को किधर पता होगा, वो भी तो अभी आए हैं हमारे साथ मंडी से। फिर यार अगर अगर गाड़ी मुझे ना मिली तो पापा को क्या जवाब दूंगा, सुबह सुबह है भी ईद, लेकिन ईद वाले दिन की मुझे डांटना पड़ जाए ना, क्या करूँ, कहीं मंडी पे तो नहीं मैंने खड़ी कर दी गाड़ी, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, लगता है मंडी जाके चेक करना पड़ेगा, अगर अभी चला जाता हूँ सो जाता हूँ तो फिर सुबह फिर मसला बन जाएगा, और गाड़ी ना हुई तो पापा पूछेंगे लाजमी गाड़ी तेरी किधर है, फिर मैं क्या जवाब दूंगा पापा को कि यार मैं भूल गया हूँ, पापा पर कहेंगे मैं तुझे आइंदा के बाद कोई गिफ्ट ही नहीं दूंगा यार, वो वैसे भी पापा ने मुझे गिफ्ट की थी गाड़ी, मंडी जाके देख ही लेता हूँ वो कार, क्योंकि मुझे शक पड़ रहा है शायद मैंने मंडी में पार्क करके फिर मैं मंडी गया था, वैसे तो मैं घर से ही गया था मंडी, लेकिन अभी कंफर्म करने के लिए जाना तो पड़ेगा, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं जाके, मेरी बाइक भी चलता हूँ मैं, उम्मीद है यार मंडी में ही होगी गाड़ी इंशाल्लाह, उधर ही खड़ी होगी, चलो
अब यह है कि भाई बाइक भी लेके जा रहा हूँ और गाड़ी भी अगर मुझे वहाँ पर मिल गई तो फिर दोनों चीज़ें मैं कैसे वापस लेके आऊँगा। कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूँगा, वो मसले वाली बात नहीं है, गाड़ी मिल जाए बस। यार बाइक आस्ता आस्ता लेके जानी पड़ेगी, एक तो उसकी साउंड भी बहुत है ना, पापा की सुनी ना लें कि भाई किधर जा रहे हैं इस वक्त। आस्ता आस्ता ले जाता हूँ, उसकी साउंड बहुत है बाइक की। खुल जा भाई तू, निकलो 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 भाई जल्दी जल्दी से। चलो यार पहुँचू फटाफट मंडी। मंडी में तो वैसे जानवर हमने वहाँ से सारे ख़त्म कर दिए थे, सामान भी काफ़ी ख़त्म कर दिया था वहाँ से। तो पापा ये बोल रहे थे कि ईद के बाद वो जगह खाली करा देंगे, सामान वगैरह सारा मतलब वहाँ से उठवा देंगे। लेकिन ट्रक भी जो है साकी भाई वापस कर रहे थे जहाँ से लिया था किराए वाला, और जो दूसरा था वो भी वापस कर दिया था। फिर मतलब कि मेरी गाड़ी अकेले तो वहाँ खड़ी हो नहीं सकती, कोई तुक तो बनती नहीं है यार, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो घर में खड़ी की थी। पर फिर भी कंफर्म करने के लिए जाके देखना तो पड़ेगा ना यार, नहीं तो मेरी ईद ख़राब हो जानी है सुबह। पापा ने सुबह सुबह नमाज़ के बाद सबसे पहले मुझे ही डांटना है अगर मैंने जवाब ना दिया गाड़ी का। तो पहले मैंने यार पापा को बहुत बार गुस्सा चढ़ाया यार इन्हीं कामों की वजह से कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और अगर फिर से पापा को ये मतलब कि पता चल गया तो फिर वो कहेंगे यार तू गाड़ी में ही बैठ। इस वजह से बस यार दुआ करो गाड़ी मिल जाए। हाँ जो अंदर से डर लग रहा है, कलमा पढ़ो, गाड़ी होगी नहीं होगी कुछ पता नहीं, अल्लाह करे इधर ही हो, अल्लाह करे इधर ही हो। देखो यार वैसे यहाँ पे तो कोई एक गाड़ी बाहर खड़ी हुई नहीं है, मंडी भी अंदर से खाली नज़र आ रही है। एक मिनट अंदर जाके देखता हूँ, शायद कहीं अंदर खड़ी कर दी हो शाकी भाई ने या किसी और ने। नहीं है इधर तो कुछ भी नहीं है, आगे जाके देखता हूँ आगे तो नहीं कहीं खड़ी की हुई कोने पे। नहीं है यार, अब मैं कहाँ से लाऊँगा वो गाड़ी, इधर भी नहीं है मंडी में, अब क्या करूँगा। इधर भी नहीं है मंडी में, तो यार कुछ भी नहीं खड़ा हुआ, कोई गाड़ी भी नहीं, मंडी तो वाकई में पहले ही हमने खाली करा दी थी। यार एक तो रास्ता किधर है जाने का, ये इधर पता नहीं किसने रख दिया है, साइड पे नहीं कर सकते हैं इसको खड़ा, दरमियान में खड़ा कर दिया, पार्किंग का भी किसी को पता नहीं चलता। ओह तौबा, क्या करूँ अब क्या करूँ, यहाँ पे तो कोई गाड़ी नहीं खड़ी हुई। क्या भाई मैं तो क्या, कल मेरी ईद हो जानी है, चलो अब गाड़ी चलो अब। अरे यार अच्छा खासा मेरा मूड बना हुआ था, जानवर आए थे यार, जानवर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, लेकिन मूड सारा ऑफ कर दिया गाड़ी को ना देख के, मेरी फेवरेट गाड़ी भी थी वो। अभी क्या होगा, चलो अब जो होगा देखा जाएगा। मैं अब यहाँ इतनी रात को कहाँ पर जाऊँ, कहाँ पर ढूँढूँ गाड़ी को, पुलिस के पास भी नहीं जा सकता, पापा को भी नहीं बता सकता। चुप करके घर चलता हूँ और देखता हूँ, बस दुआ करो पापा पूछे ही ना, अगर कल मुझे कुर्बानी के बाद टाइम मिलता है ना तो फिर पुलिस को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, FIR करा दूंगा गाड़ी के लिए। या तो फिर साकिब भाई के घर तो नहीं है वो गाड़ी, नहीं यार साकिब भाई के घर तो नहीं हो सकती। और अब इस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ समझ, पूरा घर भी मैंने जान लिया, मंडी भी देख ली, चुप करके घर ही चलो अब, सुबह जो होगा देखा जाएगा। हाँ साकिब कसाई मिले हैं, मौका भी मिल गया यार, बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ। चल फिर मुका यार, हम भी रेडी हैं, नमाज़ वगैरह भी पढ़ लिया और नाश्ता भी हो गया, आ जा फिर। जी जी मौका भी, बस थोड़ा इनका सामान बाकी है, वो गाड़ी के साथ लटका के लेके आ रहा हूँ। अच्छा कितने मिले हैं कसाई? मौका भी तीन मिल गए हैं, तीनों को पकड़ लिया मैंने, आ नहीं रहे थे लेकिन अब ज़्यादा पैसों की ऑफर किया, रिश्वत मतलब लालच दिया तो आ गए हैं। चल ठीक है यार, ठीक हो गया, तीन बहुत रहेंगे हमारे लिए, जल्दी आ जा। ओके मौका भी, बस आ रहा हूँ। चलो यार शुक्र है साकिब को कसाई तो मिले हैं, मुझे ये टेंशन लगी हुई थी क्योंकि यार ईद के दिन कसाई किधर मिलते हैं, पर पैसे ज़्यादा अगर दो तो फिर तो आपको तो पता है यार हर काम हो जाता है। देखते हैं यार जानवरों को एक दफ़ा नज़र मार लूँ, जानवर सब ठीक हैं, कोई बीमार तो नहीं हुआ रात को, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह रात को बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन हो भी जाती तो जानवर सेव ही थे, इनको तो कुछ होना नहीं था। और जानवर तो वैसे चिल्ला रहे हैं, और जिमी क्या कर रहा है इधर? जिमी गुड मॉर्निंग पापा, ईद मुबारक पापा। यार मिल लिया था ना मस्जिद में ईद मुबारक। हाँ पापा कैसे हैं आप? ठीक हैं। ओ भाई क्या उल्टे पुल्टे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है एक ही घर में रहते हैं, ठीक है मुझे ये बता अभी तू यहाँ इसको नहला रहा है? हाँ पापा वो मैंने कहा एक दफ़ा वाश कर लेते ना इसको तो अच्छा था ना, वो मिट्टी लगी हुई थी पाँव में भी इसके, तो वो दोनों मैंने कर लिया, वाश ये वाली रह गई थी। क्या बात है, ये तो काम तू बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कर रहा है। पापा वो दोनों चिल्ला क्यों रही हैं पापा? बेटा आज इनका आखिरी दिन है ना, आज इनको कुर्बान करना है और इनको इनको समझ लग जाती है इस वजह से। लेकिन पापा ये रेनबो काओ तो नहीं चिल्ला रही है, तो मजे से खामोशी से बैठी हुई है पापा, और सुबह से मस्त होके बैठी हुई है।
भाई उस पे खर्चा किया, अफ्रीकन गाय है वो, स्ट्रांग है भाई, ऐसे तो नहीं इतनी महंगी ली ना वो। देख पुरसकून होके बैठी हुई है जैसे अभी मतलब कुछ होना ही नहीं है इसके साथ। तभी तो पापा ये गाय मुझे देखती पसंद आ गई थी। अच्छा पापा सुने यार, मैं कह रहा हूँ कि एक गाय जो है हम अभी नहीं करते, मतलब बाद में कर लेते हैं। बाद में कब? शाम को? नहीं मतलब ईद के बाद। ले भाई ईद के बाद कड़ी कुर्बानी होनी है? नहीं ना पापा, मतलब तीसरे ईद के तीसरे दिन कर लेते हैं ना एक एक गाय, थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा। प्लीज़ पापा, रात को ही लेके आए हैं, इनके साथ टाइम भी नहीं गुजारा हमने। ओ भाई फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा यार, साकिब तीन कसाई पकड़ के लेकर आ रहा है, आज की आज चारों के चारों जानवर कुर्बान करने हैं। ठीक है यार पापा प्लीज़। यार यार जिमी फिर कल बाहर का भी मोड बनाना है, पिकनिक का मोड बनाना है, और भी मसरूफियात हैं, फिर आज ही ख़त्म करो इस काम को। ओहो यार। और हाँ जिमी, मैंने तेरे से पूछना था, तेरी गाड़ी नज़र नहीं आ रही है। गाड़ी पापा? ओ पापा पापा, गाय भाग गई पापा। गाय कौन सी? अरे अबे शिट, ये किधर भाग गई है? ओ यार कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाए, पकड़ो इसको भाई। किधर जा, किधर रही है ये गाय? यार मेरा ख्याल डर गई है ये गाय। देख देख ज़रा यार, दीवारों के ऊपर चढ़ रही है। रुक गई है यार, समझदार है वैसे गाय, समझदार है, ज़्यादा आगे गई नहीं है। लेकिन यार अब क्या हो सकता है, अभी इस वक्त इनको हमने अभी अपने साथ हिलाया भी नहीं है ना, इतना हमें इतना टाइम ही नहीं मिला इनके साथ स्पेंड करने को, वरना हिल जाते ये जानवर। पापा? हाँ हाँ जिमी, इधर ही है, टेंशन ना ले। कुछ हुआ तो नहीं है इसको पापा? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस इधर ही दीवार के साथ आके खड़ी होगी थी। ले आ इसको, आगे ले आ बस इसको, राम राम से। देखिए अब दोबारा कहीं भागे ना। पापा इसीलिए कह रहे हूँ आज जिबा ना करो यार। यार तू नहीं समझता इन चीज़ों को, चुप कर जा अभी। तू एक काम करते हैं, इसको इसको यहाँ पर ही खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, इस दरख्त के साथ ना इसको बांध दे, और इसके साथ ही तू रहे अभी फ़िलहाल, जब तक कसाई नहीं आ जाते, पहले इसी को जिबा करेंगे। नहीं पापा इसको नहीं, पहली वो डरी हुई है यार, पहले दूसरी गाय को जिबा कर लो, रेड वाली को। ओफ बॉडी को तो मेरे यार, तुम लोगों ने पता नहीं कुछ ट्राला बनाया हुआ, क्या बनाया हुआ, बोल भी रहा था इधर सामान नहीं आएगा, फिर भी पता नहीं क्या यार तुम लोग भी। ओ तो भाई साहब यार, इस वक्त गाड़ी भी तो नहीं मिल रही थी, शुक्र करो हम आ गए तुम्हारे साथ। हाँ तुम दो यार, तुम लोग कसाई हो, तीन तीन कसाई पकड़ के लेके यार, और तुम्हारे हिसाब से तुम्हें पैसे भी दे रहे हैं, तो गाड़ी तो अपने पास रखो ना कोई यार। ओ भाई साहब और कितना दूर है घर? पहुँच गया ना ये, आ गए हैं बस, मुझे मेरी गाड़ी की टेंशन पड़ी हुई है, इधर मशीन इतनी हैवी कसम के रखी है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, अनकंट्रोल हो रही है गाड़ी। ओ भाई साहब आपको बोला था मैं चला लेता हूँ भाई साहब। ये देखिए देखिए यहाँ से कितना जोर पकड़ी है गाड़ी, बेटा गाड़ी को कुछ हुआ ना मैंने जानवरों के पैसे भी नहीं देने तुझे। ओ भाई साहब हमें फिर उतार दो वापस। और बेटा जानवर कुर्बान कर ही जाओगे। अच्छा भाई साहब ये जानवर है भाई साहब? हाँ हाँ यही जानवर है। हाँ तो चलो उतरो फिर भाई साहब। ओ भाई इन बाहर अपने दो मोटों को तो उतारो ना, दरवाजा मैं कैसे खोलूं? हाँ उतरो रे तुम दोनों, चलो आ जाओ आ जाओ तुम। अच्छा यार प्लीज़ यार मेहरबानी करके मशीन थोड़ा ध्यान से उतारना यार, बहुत हैवी मशीन है, गाड़ी को कोई नुकसान ना हो बस किसी तरह। हाँ टेंशन ना लो भाई साहब। साकिब मौको भी ले आए हूँ यार तीन को सही। हाँ वो तो तू ले आया, और ईद मुबारक तुझे, ईद मुबारक मौको भाई, आपको भी ईद मुबारक। बस यार मौको भाई सॉरी मस्जिद नहीं आ सका, टाइम ही नहीं मिला। हाँ हाँ वो तो ठीक, लेकिन ये कौन सी गाड़ी में तू ले आया मशीन, तुझे कोई और वहाँ पे गाड़ी नहीं मिली इस वक्त? नहीं ना मौको भाई, इनके पास भी गाड़ी नहीं थी, और भी कहीं से नहीं मिल रही इतनी, वो ये भी कसाई बड़ी मुश्किल से मिले हैं। तो यार थोड़ी गाड़ी की तो केयर करता यार, हद है तू भी कसम से। मैं क्या करता मौको भाई, मशीन भी लाना ज़रूरी थी, कहते कि जल्दी जल्दी कटाई होगी गोश्त की इस मशीन से। अच्छा वैसे ये कसाई है ना, मिस्त्री तो नहीं है ना? नहीं मौको भाई कसाई है, क्या हो गया, सुबह सुबह उन्होंने अभी दो ऊँट गिराए हैं, तभी थोड़ा आने में मुझे देर हो गई है। चल यार फिर ठीक है, काम थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए, शाम से पहले पहले। चार जानवर इनको बता दिया ना तूने? वो मौको भी सारा कुछ मैंने इनको बता दिया। और ये तूने अपना हुलिया क्या बनाया हुआ है? मौको भी कपड़े पहने हैं मौको भी। ये तूने कपड़े वैसे कब लिए हैं यार, तू तो बड़ा मतलब डैशिंग लग रहा है। मौको भी कल रात को ही थोड़ा मार्केट चला गया था, बताया नहीं है तूने? मैं सोचा पता नहीं आप आएंगे नहीं आएंगे, रात भी होगी थी तो। अच्छा चल ठीक है, शुक्र है वैसे यार तूने वो टी शर्ट तो चेंज की है, तकरीबन साल हो गया था तुझे उस टी शर्ट में। वो मौको भाई वो बस। अच्छा चल खैर वो सब छोड़, इनको क्या रेट क्या बताया? मौको भाई कह रहे हैं एक जानवर का 25,000। ओ भाई मतलब 1,00,000 सिर्फ हम इनको देंगे चार जानवरों के? मौको भाई फिर किधर मिल ही नहीं रहे थे तो मैं क्या करता, याद हो आप 3-4 दिन पहले बताते तो फिर कोई बंदोबस्त हम कर लेते, बुकिंग वगैरह फिर एडवांस हो जाती, सस्ते में हो जाती, क्या पता 10,000 में पर जानवर हो जाता। अच्छा खैर अब जो भी है, चलो फिर अब मतलब इनको कह के पकड़ें फिर जानवर, ये रेड वाली गाय पहले करते हैं।
रट वाली। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ चलो स्टार्ट करो, फिर टाइम कम है हमारे पास। जोर लगा ज़रा इसको, सही तरह से पकड़, टांगों में रस्सी बांध बांधिया बता, बांध के बताइए इसको गिराएंगे इधर से। अरे यार भाई साहब जल्दी थोड़ा जोर जोर लगा दो, खींच खींच अपनी तरफ खींच, रस्सी पकड़ के खींचनी जैसे टांगों से गिरेगी। हाँ जल्दी जल्दी रे, गिरा दो अब गिरा दो बस। हाँ ठीक है मैं गिराने लगा हूँ। हाँ ये गिर गई। चलो रे बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। यार पापा देखा नहीं जा रहा मुझसे, मैंने बोला था रेड वाली गाय कर लेते, आपने येलो वाली पकड़ ली। हाँ तो यार ये चिल्ला रही थी ना येलो वाली गाय, यार अगर इसको चिल्लाने देते तो फिर भाग जाती दोबारा। किसाइयों ने मशवरा दिया था, उन्हें नहीं सही हो गया, अभी रेड वाली गिरा देंगे। क्या यार पापा कितना बुरा लग रहा है। तुझे बोला था ना जिमी चला जाता अपने कमरे में बैठ जाता, जब सारे कुर्बान हो जाते जानवर फिर आ जाता। माओ भी किधर भेज रहे हो, गोश्त के टुकड़े भी तो करने हैं इसने। वो चल ठीक है वो तो कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ भी ड्रामे कर रहे, इधर खड़ा होके फजूल में। चुप करके देख इनको यार। क्या यार मेरी नीलम को पहले ही मार दिया तुम लोगों ने, बहुत जालिम हो यार तुम लोग। अरे यार हर हर कुर्बानी में इसका ये ड्रामा होता है, हर कुर्बानी में। यार ज़रा गोश्त जो है ना अच्छे से साफ करना, ठीक है ना, कोई बाल चल बीच में आने ना पाए। टाइम क्या हो गया यार, कितना टाइम लगा है? 1:45 हो चुके हैं, और मतलब जल्दी कर दिया यार, मतलब 3 भेड़े थे और 1 ऊँट था, तो मेरे ख्याल के मुताबिक यार इन्होंने काफ़ी जल्दी काम किया। मशीन थी ना इनके पास, मशीन में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है गोश्त की मतलब कि कटाई जो है ना बड़ी आरी से की है, और छोटी भी छोटे गोश्त भी मेरा ख्याल ये मशीन से ही काटेंगे। तो बस ये है कि यार अपना गोश्त जो है ना वो थोड़ा सफाई से काटना, ठीक है ना, तो छोटे पीस भी ज़्यादा ना हो और बड़े पीस भी ज़्यादा ना हो, मीडियम पीस रखना, ठीक है ना। बाकी कीमा शीमा भी कराना है, मशीन तो है। ओके भाई साहब और कुछ बता दें आप भाई साहब? चल साथ साथ बता देंगे ना, तू पहले ये गोश्त की सफाई तो कर देना, और ओजरी वगैरह ना वो तू दे दी बस। हाँ ठीक है चल सही है फिर। अच्छा तो यहाँ पर सर वगैरह तो उन्होंने काट के यहाँ पर रखे हुए हैं। जिमी जिमी ओ यार अभी तक तू रो रहा है। पापा पापा क्या किया पापा, मेरी नीलम। इधर आ तुझे तेरी नीलम दिखा दूँ, इधर आ मेरे पास, यहाँ पे आ, ये चेक कर इनमें से पहचान तेरी नीलम कौन सी है। पापा क्या कर रहे हो यार, आगे मुझसे देखा नहीं जा रहा। देख एक इसमें से तेरी नीलम है, एक इसमें से वो रेड वाली गाय है साकिब की, और एक हमारी वो रेनबो काओ, ये तीनों गाय इधर हैं। ऊँट का जो है इन्होंने वो सर दे दिया था, और बाकी गोश्त जो है उनकी कटाई हो रही है ऊँट की। तो यार देख नीलम को तू ही खाएगा बेटा सबसे पहले, चाट चाट की उंगलियाँ, इतना तो मुझे पक्का यकीन है। और ऊपर से तू इसका बारबेक्यू भी ऐसा बनाएगा, जब बारबेक्यू बनेगा तो सारी नीलम भूल जाएगा, है ना। पापा यार मुझसे नहीं खाया जाएगा गोश्त। मखूबी कोई आया है, मखूबी गोश्त मांगने आया है मखूबी। हाँ हाँ कौन, अच्छा गोश्त चाहिए इनको जी। मखूबी कह रही है गोश्त दे दो। अच्छा सब्र कर यार एक मिनट, कसाई को बोलते हो इनका थोड़ा सा गोश्त अलग डाल दे, क्योंकि इनको भी देना ज़रूरी है ना गोश्त। लेकिन अभी यार कटाइयाँ होनी है, गोश्त की टाइम लगेगा वैसे। एक काम करते हैं इनको बोल के शाम को आ जाएं, ठीक है मखूबी मैं बोल देता हूँ। बल्कि एक काम करते हैं यार इनको ये सर एक दे देते हैं, और ओजरी वो बनाता है तो वो दे देते हैं। और मखूबी गोश्त मांग रही है। अच्छा फिर क्या के सब्र करें। हाँ मखूबी वो तो उसको बोला थोड़ा वेट कर जाए बस 10-1 मिनट। हाँ सही है। अच्छा तो जिमी यार अब सीन ये है कि मैंने तेरे से कुछ पूछा था कुर्बानी से पहले। क्या पापा? तेरी गाड़ी किधर है? पापा मैं बहुत उदास हूँ और आप मुझे क्या सवाल कर रहे हो। क्या मतलब उदास है, तो ये कोई कॉमन क्वेश्चन है भाई, तेरी गाड़ी किधर है? मुझे कल रात से नज़र नहीं आ रही है। पापा क्या नाम है वो, कल मंडी जाने से पहले ना मैंने उधर दे दी थी वर्कशॉप पे। क्यों? पापा काम उसका निकालना था ना, काम मतलब करने वाला था इस वजह से। कौन सा काम करने वाला था? पापा काफ़ी दिन से चलाई नहीं थी ना, तो टायरों में हवा कम थी। तो बेटे टायरों में हवा कितना टाइम लगता है, तू उधर वर्कशॉप ही छोड़ा है गाड़ी? नहीं पापा वो और भी काम था ना फिर। क्या? पापा पेंट भी चेंज कराना था और वो बिजी था, तो कहता छोड़ जाओ तो ईद के दूसरे दिन आके ना मुझे ले लेना। अच्छा पेंट चेंज करना था, ठीक है सही है। तो फिर एक काम कर, अभी उसने रेडी कर दी होगी, फ़ोन कर उसको। पापा वो ईद के दूसरे दिन बोल रहा था। चल कल फिर मेरे सामने फ़ोन कर दी, या मुझे साथ ही ले जाइए, सही है? पापा अच्छा चलो मैं आपको बता दूंगा पापा। लाजमी बेटा लाजमी।